हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी लवली वेलकम टू ऑल। दिस इज मृत्युंजय शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन टाइम। आज का वीडियो जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट 3 है। पिछले दोनों पार्ट्स में हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कवर कर लिया है, तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट मी राइट नंबर सी, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, तो इसे पढ़ना है। ये भी हम लोग 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बेसिस पे ही पढ़ेंगे। नंबर 1 मेरा है असर्टिव सेंटेंस। ओके, तो असर्टिव सेंटेंस में मुझे क्या बनाना होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये मेरा स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट का असर्टिव सेंटेंस। तो ये एक्टिव वॉइस हो गया है आपका। अब पैसिव वॉइस इसे कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस में आपका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट आगे आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज और हैव। ओके, यहां पे एक नया हेल्पिंग वर्ब आएगा बीइंग, उसके साथ V3 आप लगाओगे प्लस बाई लगाओगे, देन सब्जेक्ट प्रोनाउन आप लगाओगे। ओके, सो दिस बिकम्स योर स्ट्रक्चर फॉर प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, पैसिव वॉइस में आपका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाता है। अब इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 एक्टिव वॉइस में होगा ये, तो मोहन हैज रिटर्न, सॉरी यहाँ पे बाय नहीं होगा। ओके, बाय नहीं होगा ये, मोहन हैज रिटर्न अ लेटर। ओके, ये आपका है। और एक चीज मैं बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट में आपका वर्ब ऑलरेडी V3 में है, एक्टिव वॉइस में भी, और पैसिव वॉइस में V3 रहना ही रहना है। तो ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा था उसमें हमेशा जो है वर्ब V1 फॉर्म में रहता था, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट या कोई भी परफेक्ट आप पढ़ोगे, पास्ट परफेक्ट भी पढ़ोगे, तो उसमें भी आपको एक्टिव वॉइस में ही V3 मिल जाएगा। ओके, सो मतलब वर्ब आपको चेंज नहीं करना है, जस्ट, और कुछ खास इसमें है नहीं। तो ये था मेरा एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हम आगे ले आएंगे, अ लेटर मेरा आगे आएगा। अब अ लेटर के बेसिस पे हैज और हैव में से चूज करना है मुझे, तो अ लेटर क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हैज लगाऊंगा। अ लेटर हैज बीन लगाना है मुझे इसके बाद, और उसके बाद वर्ब थर्ड लगाना है हैज बीन रिटन, बाई आएगा और सब्जेक्ट प्रोनाउन, मतलब आप या मोहन लिख सकते हो या तो आप हिम लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। ओके, सो ये आपका एग्जांपल हो जाता है। सेंटेंस था एक्टिव वॉइस में मोहन हैज रिटन अ लेटर। ओके, तो इसका पैसिव वॉइस होगा अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मोहन या हिम, बाय हिम। ओके, ये हो जाता है। और एक एग्जांपल लिख लेते हैं, सीता हैज रिडन अ बाइसिकल। ओके, यही था बाइसिकल, सीता हैज रिडन अ बाइसिकल। इसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे हम, तो क्या होगा मेरा, बाइसाइकल, बाइसाइकल सिंगुलर है तो हम हैज लगाएंगे, हैज के बाद मुझे बीन लगाना है, बाइसाइकल हैज बीन V3 का V3 ही रहेगा, रिडन उसके बाद बाई लगाना है मुझे, देन सब्जेक्ट प्रोनाउन, मतलब सीता आप लिख सकते हो या सीता का आप हर भी लिख सकते हो। ओके, तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या था मेरा, सीता हैज रिडन अ बाइसाइकल, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा अ बाइसाइकल हैज बीन रिडन बाई सीता। ओके, तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया है। अब हम लोग मूव करते हैं मेरे नेगेटिव सेंटेंस के पास। तो नंबर बी है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, वेरी सिंपल है, मेरे हेल्पिंग वर्ब के बाद मुझे नॉट लगाना है, तो हो जाएगा ये सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। एक्टिव वॉइस होगा ये, एक्टिव वॉइस कर देते हैं इसे। पैसिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, ऑब्जेक्ट आएगा सामने, ऑब्जेक्ट के साथ हैज और हैव आएगा। ओके, नॉट लग जाएगा मेरे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद, उसके बाद मुझे बीन लगाना है,
ओके, और उसके बाद वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये मेरा स्ट्रक्चर होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, मैं बोल देता हूं उसे। एक्टिव वॉइस में है आपका सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में है ऑब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन। इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर वन इसी को करता हूं मैं। तो यहां पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, मोहन हैज नॉट बस लग जाएगा। ओके, इसके बेसिस पे मुझे नॉट लगाना है, तो मैं लिखूंगा मोहन हैज नॉट रिटर्न अ लेटर। नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, मोहन हैज नॉट रिटर्न अ लेटर। अब इसे पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो अ लेटर सामने आएगा, अ लेटर। लेटर के बेसिस पे मुझे हैज और हैव चूज करना है, तो हैज होगा। अ लेटर हैज नॉट, फिर उसके बाद मुझे सॉरी उसके बाद मुझे नॉट के बाद मुझे बीन लगाना है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब था, ये सेकंड था, तो देखो मैंने फर्स्ट के बाद ही लगाया है। ओके, आप ऐसे ही हमेशा याद रखिएगा। ओके, सो ये है अ लेटर हैज नॉट बीन, उसके बाद V3 है रिटन, देन बाय, और उसके बाद मोहन आप लिख सकते हो, मोहन या आप हिम भी लिख सकते हो। ओके, तो एग्जाम्पल मैं बोल देता हूं एक बार। एक क्वेश्चन था एक्टिव वॉइस में, मोहन हैज नॉट रिटन अ लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस होगा अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय हिम। ओके, दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं एक और, इस बार कुछ अलग करें। हाँ, इस बार ये लिखते हैं मंकीज हैव ईटन द बनानास। ओके, मंकीज हैव ईटन द बनानास, तो मंकीज मेरा सब्जेक्ट है, मंकीज प्लूरल था, तो मैंने हैज और हैव में से हैव लिखा है। ओके, सॉरी नॉट होगा, नेगेटिव है ना, नॉट भी होगा। ओके, मंकीज हैव नॉट, उसके बाद मेरा ईटन आएगा, वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट है द बनानास। पैसिव वॉइस में से चेंज करते हैं, द बनानास, बनानास क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ मुझे हैव लगाना है। द बनानास हैव, उसके बाद हैज और हैव में से हैव लिख दिया, उसके बाद नॉट, हैव नॉट बीन ईटन का ईटन ही रहेगा, वर्ब थर्ड बाय द मंकीज। तो मंकीज को आप एक प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हो, वो प्रोनाउन होगा THEM, देम। ओके, सो ये है आपका दूसरा एग्जांपल। क्वेश्चन था मैंने एक्टिव वॉइस था, मंकीज हैव नॉट ईटन द बनानास, और इसका पैसिव वॉइस है द बनानास हैव नॉट बीन ईटन बाय द मंकीज। तो ये आपका असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस मैंने बता दिया। अब इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर नंबर थ्री क्या था, नंबर सी, इंट्रोगेटिव। ओके, इंट्रोगेटिव है मेरा लास्ट वाला प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इंट्रोगेटिव में कैसे होगा, हैज और हैव जो है वो आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद आपका V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही था स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क था असर्टिव सेंटेंस में। तो आपका सब्जेक्ट के बाद जो हैज और हैव था वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, सो ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इसके बाद पैसिव वॉइस में जब हम जाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, हैज और हैव आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, देन बीन आएगा, देन वर्ब थर्ड, देन बाय, देन सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, सो दिस इज योर सेंटेंस फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक्टिव वॉइस में आपका स्ट्रक्चर होगा हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में है आपका हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल इसका बताता हूं मैं। ओके, मोहन नंबर वन है ये, मोहन हैज, सॉरी क्या लिख रहा हूं,
मोहन हैज नहीं होगा, हैज मोहन रिटन अ लेटर क्वेश्चन मार्क. ओके सो ये मेरा एक्टिव वॉइस है. पैसिव वॉइस में इसे जब चेंज करेंगे तो लेटर आगे आएगा, है ना. तो लेटर के बेसिस पे आप ऐसे लिख दोगे. ओके एक जगह छोड़ के लिख दोगे हेल्पिंग वर्ब के लिए. आप अ लेटर ले आए. अब लेटर को देखो कि सिंगुलर है कि प्लुरल. मतलब यहां पे लेटर है तो हमें पता है कि सिंगुलर है, लेकिन हो सकता है आपका ऑब्जेक्ट जो है वो प्लुरल में रहे. तो आप अगर वहां पे लिख दोगे तो स्क्रिबलिंग व्रिबलिंग करना पड़ेगा. तो इसलिए आप पहले थोड़ा सा जगह छोड़ के आप हेल्पिंग वर्ब को लिख लीजिए. हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद उसे देखिए सिंगुलर है या प्लुरल है, उसके अनुसार आप उसका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो दैट विल बी बेटर. ओके हैज अ लेटर, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट के बाद, सॉरी ऑब्जेक्ट होगा यहां पे, ऑब्जेक्ट हैज अ लेटर बीन, उसके बाद है आपका रिटन, देन बाय सब्जेक्ट प्रोनाउन, मतलब आप मोहन या हिम कोई भी लगा सकते हो, क्वेश्चन मार्क लगा के. सो आपका एग्जांपल में था एक्टिव वॉइस में हैज मोहन रिटन अ लेटर, पैसिव वॉइस में होगा हैज अ लेटर बीन रिटन बाय हिम. ओके सो ये हो गया. दूसरा एग्जांपल भी कर लेते हैं. हैव मंकीज ईटन द बनानास, क्वेश्चन मार्क. ओके दूसरा है ये, इसको चेंज करेंगे तो मैंने बताया था पहले मैं ऑब्जेक्ट लिख दूंगा थोड़ा सा जगह छोड़ के. द बनानास पहले लिख लिया, उसके बाद बनानास क्या है प्लूलर है तो मैं हैव लगाऊंगा, हैव द बनानास, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद बीन लिखूंगा, हैव द बनानास बीन वी थ्री, मतलब ऐसे जो क्वेश्चन में था वर्ब का फॉर्म. ओके हैव द बनानास बीन ईटन, उसके बाद बाई द मंकीज, आप मंकीज की जगह देम भी लगा सकते हो. ओके सो मेरा क्वेश्चन था यहां पे एग्जाम्पल सेकेंड में हैव मंकीज, मंकीज सॉरी हैव मंकीज ईटन द बनानास, ये कोई एक्टिव वॉइस था. पैसिव वॉइस में होगा हैव द बनानास बीन ईटन बाय द मंकीज, या आप बाय देम भी लगा सकते हो. ओके सो दिस इज द वीडियो फॉर टुडे. प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हम लोग करेंगे. ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी. लाइक कर दीजिए वीडियो को. कोई डाउट्स हैं? यस कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा. ओके थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग.